सारे नूं प्यार भरी सत श्री अकाल, वड्डियां नूं सत्कार ते छोटियां नूं प्यार। ये व्लॉग असीं शुरू करन जा रहे हां होटल तों, जिथे रात असीं कमरा लिया सीगा। तुसीं देख सकदे हो किसी कारण करके सानूं गुरद्वारा साहिब च कमरा नहीं मिलिया, क्योंकि संगत आईयां होणी सन। असीं हेमकुंट साहिब तों थले उतरे हां, और फिर असीं इस होटल ते कमरा लै लिया सीगा। तुसीं देख सकते हो ठीक ठाक है, और बाथरूम वगैरह भी ठीक है। इहदे विच इह है कि गर्म पानी की सुविधा नहीं, पर इहदे सामने यह 100 रुपए के हिसाब नाल एक बाल्टी गर्म पानी की दे दिंदे आ। तुसीं देखते हो कि बाहर पहाड़ों का व्यू, ये बिल्कुल पहाड़ों के बिच है, आसे पासे पहाड़ है, तो गोबिंद धाम जो बसिया होया है ये बिल्कुल पहाड़ों के बिच है, और बहुत ज़्यादा सोहना लगता। बाकी थानू दिखाने गुरुद्वारा साहब के दर्शन कराने। वाहगुरु जी, ये दरख्त जिस विच बाबा मोदन सिंह जी रिहायश सी, जिन्हां ते दुष्ट दमन गुरु गोबिंद सिंह दे तप स्थान श्री हेमकुंट साहब की खोज की। वो फिर जदों उपरों आते सन, खोज करते सन, नहीं मिलती सी, वो फिर इत्थे आ के आराम करते सन, और रात का जिहड़ा रात इत्थे गुजारते सन अपनी। ये है वो दरख्त जी, दर्शन करो। उस दरख्त के सामने बिल्कुल लंगर हाल है, इत्थे गर्म पानी है, तुसीं बोतल विच भर सकते हो। यह हैगा जी चाह का लंगर, और चाह के लंगर के सामने बिल्कुल ऑपोजिट लंगर हाल है। सेवादार जी, ये आ गई जी दाला। हाँ जी, थोड़ी होर पा दो जी, इतने पा सवाया बहुत फतेह जी। लो जी, गुरु की कृपा ना सी, हुण गुरुद्वारा श्री हेमकुंट साहब गोबिंद धाम तो चाले पाते हुए सामने नज़ारा तुसीं देख सकते हो। बर्फ ना ढके पहाड़, गोबिंद धाम का बाजार। वाहिगुरु जी, ये बाजार है गोबिंद धाम का, जो कि 4 महीने खुलता है। लो जी, ये है साडा, इनू कहते पिट्ठू, पिट्ठू वाला, और बस ये थोड़ी आसानी हो जाएगी तो इन्हों कमाई का साधन बन गया। ये है जी हैलीपैड, इतने हैलीकॉप्टर आके रुकता है, तुहानू लांदा है, तो उस तो बाद 600-700 मीटर की चढ़ाई है गोबिंद धाम तक। 600-700 मीटर की चढ़ाई जी है पैदल करनी पैंदी है गोबिंद धाम तक। और सामने देखो जी बदल, सामने तुसीं देख सकते हो कि हैलीपैड वाली जगह ये मुंडे क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट का आनंद माणते हुए। देखो जी वापस गोबिंद धाम का नज़ारा, सामने बर्फ़ों वाले पहाड़, बदल और पहाड़ों के नज़ारे। असी पहुँच गए गोबिंद घाट 13 किलोमीटर, पुलना पिंड असी पहुँचना है। इतों अगे सानू अगला सफ़र कार ते करना पैना है, जो कि टाटा सुमो जा बलैरो जा महिंद्रा दी गड्डियां चलदियां हन, वो सानू पुलना तो लैनियां पैणगियां, और 1 किलोमीटर असी थले आ गए हां। लो जी, तुहानू दर्शन कराइए दोबारा, तुहानू दिखाने हां जी कुदरत। ये जी शहद दीआं मक्खियां, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये देखो जी 7 मक्खियां दे छत्ते, ये तुहानू रस्ते विच मिलणगे 1.5 किलोमीटर जो तुसीं गोबिंद धाम तो गोबिंद घाट वाल चाले पाओगे। लो जी, असीं हुण अलविदा कहते इस नज़ारियां नूं, इस झरने नूं। अगर गुरु साहिब की कृपा हुई तो फिर दोबारा जरूर आवांगे। लो जी, सानूं रस्ते विच मिली है अलीशा, बॉम्बे तो है, शी फ्रॉम बॉम्बे, और इन्हें दस्या कि 92 पीपल संगत के रूप च आए ने, ते असीं गलबात करते हुए, क्योंकि अलीशा मैनूं पुछ रही थी कि कितना रह गया, पर मैं उन्हें दस्या नहीं,
क्योंकि उस नाल थोड़ा हौसला टुट जाता है। इस करके मैं अलीशा ने कहा कि यही कहूँगा कि थोड़ा रह गया थोड़ी तो। पहुंच गए। हाँ सो कोई नहीं, असी दर्शन कर आए तो तुम भी ठीक ठाक जाओगे। और उत्थे धोबी तो चढ़ी सी, और तू कि कृपा, लगा? बहुत कृपा है, अच्छा रस्ता खिंचता है सामने। ओके ओके चलो ठीक है। तो अलीशा बेस्ट ऑफ लक, और कोई गल नहीं। गुरु कृपा। हाँ ये देखो जी, ये पहाड़ा में होंगे ज़्यादातर। ये साडा भरा नीरज, और ये हाय, शॉप को असी लिया पानी, तो पानी लेंदे हुए। और नीरज बहुत चंगा सुभाव दा, और उम्मीद करते हैं कि उन्हें भी बेस्ट विशेस और गुड थैंक यू लक। सर, थैंक यू, इट्स थैंक बीन यू, प्लीजर। थैंक यू, नाइस टू मीट यू, सेम, गुड बाय। देखो जी खूबसूरती पहाड़ों की, वगदे झरने, देख रहे हो छल्लां कितना नीचे थले आ रही ने, जिस तरह कोई चादर होवे और उस चादर नूं कोई सुकाउण वास्ते पहलां पंजाबी विच कहिंदे ने फंड देना, फंडदे आ, उस तरह लगदी जिवें कोई चादर है। तुसीं देखो जी किन्ना उत्थे तक झरना है जो थले नूं वग रहा, इत्थे जाके समाप्ति हुंदी है। असी पुलना पिंड तो रह गए हैं जी पिछे अद्धा किलोमीटर, और रस्ते विच हर मूमेंट नूं कैद करदे हां अपने कैमरे विच। आस है कि तुहानूं वी ये नज़ारे दिखदे होणगे। पहुँच गया जी पिंड पुलना, सामने पिंड पुलना, और तुसी देखोगे कि इत्थे कुछ गड्डियां भी कार पार्क खड़िया होंगे। तुसी देख सकते हो कि पीछे झरने की खूबसूरती। लो जी वीर ने दस्या कि रात के 9 बजे तक इतों गड्डी चलती है, और असी पहुँच गए जी फुलना पिंड। अगे आ गई सड़क और अपना पहाड़ का रस्ता खत्म। बड़ी गुरु जी की कृपा हुई है। देखो जी पहाड़ी कुत्ता। हाँ जी और बड़े शांत सुभा दे ने इत्थे दे कुत्ते। पार्ले जी खा लेंगे, कितने का ये? 20 रुपये। 20 रुपये आ जा, आ जाओ। और आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ। ले ओए खा लो। और ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਅਣਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ, ਔਰ ਪਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬਸ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਲੋ ਹੈ ਕੀਤੀ, ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾ ਲਿਆ? ਲਓ ਜੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਪੱਪੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਲੈ ਬਾਏ 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 ਬਾਏ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ, ਉਹ ਫੁਰ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ।
लगता ज़्यादा दोस्ती होगी, पर आस करांगे कि अपने 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 घर जाओ। चलो जाओ हुण, जाओ जाओ ऊपर, जाओ जाओ अब ऊपर जाओ। बाय बाय। और देखो जी, फिर पिछे आंदे होए। आस करते हैं कि सानू गड्डी मिल जूगी और अस बासी बाकी रस्ता जिहड़ा बाय रोड गड्डी ते तय कर लांगे। पानी पीना देखा ना। लो जी, टैक्सी स्टैंड ते आनंद माणदे हुए कुर्सियां दा और फैमिली मैंबरस उन्हां दा वेट करदे हुए। जिहड़े अमृत सिंह ते गुरदयाल सिंह ये पहुंचे ने 4.25 घंटे च, और मैं चलिया सीगा 11 बजे। और उस तो बाद रस्ते च रुकदे हुए फोटोशूट करदे हुए और पहाड़ां दे नज़ारे अपने कैमरे राही कैद करदे हुए मैं पहुंचा सीगा गोबिंद धाम तो पुलना पिंड 5.5 घंटे विच। और कोई भी टी ब्रेक ना करते हुए, क्योंकि प्रशादा छकन छकिया होगा, इस करके असी फिर रस्ते च नहीं छकिया, क्योंकि कोशिश यही है कि बाहरों ना खाया जाए और प्रशादा ही छकांगे जाके। हुण असी बस वेट करते हैं, गड्डी आके लग चुकी है, बस जिस तरह ही साढ़े भाजी ते भरजाई हुणी पहुंचणगे तां असीं इत्थों चाले पावांगे। लो जी, साडा ताज दा लड़का ब्रदर वो आ नहीं पा रहा, थोड़ा जा परेशानी हो रही सी, इस करे असीं आ गड्डी जिहड़ी है उहदे वास्ते भेजती, क्योंकि असीं 50 रुपये 10 सवारियां होणगीआं ते 50-50 रुपये होणगे सारिआं नूं, इस करके असीं सारी गड्डी बुक कर ली। और कोशिश करते हैं, तुसी देख सकते हो कि शायद हम दुकान की कोशिश करता हूँ। देखो दोनों जने आ रहे जी। वाहेगुरु जी, आगे ठीक ठाक? हाँ, आगे जी, आगे पापा जी। चलो गुरु की कृपा होगी। हाँ, गुरु की। चलो लो जी। बोले सो निहाल श्री अकाल। ड्राइवर पाजी बड़े ही ध्यान नाल सानू लेके जांदे होए, और इधर वगदे झरने। देखो जी, घोड़ा जिद कर गया साडे नाल, सानू कह रहा है कि मैं नहीं जान देना, पहले टैक्स दे के जाओ, कहते टैक्स दियो सानू। और पता नहीं हरे दिल विच की है जी। आन दो जी, थोड़ा आगे करके पीछे कर लो। हाँ जी, ठीक है जी। पता नहीं वो इचिंग अपने कर रहा, खुरक कर रहा, खुरक ओहदे नाल लोहे दे एंगल नाल। पीछे कर लो सर जी। और असी हुण इहदी जिद पिछे हार गए जी, इहनू होर मारे पर नहीं, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ। ਚੰਗਾ ਬਾਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇਰਾ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਦੇ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਸਟੇਅ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਰੁਕਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ, ਸੰਗਤ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਗੇ ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਮ ਜਾਣ ਦੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਨੰਦਮਈ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ
बोले सो निहाल जी। धन्यवाद भाजी का जो सानू लैके आए और साढ़े तो बाद लगता कोई भी गड्डी जां उत्थे और भी यात्रु नहीं होंगे क्योंकि जो भाजी सी ये लास्ट सन इस करके लो जी असी उतरते हुए ये अपने वीर जी नूं दईए इन्हां दी माया। लो जी थैंक यू भाई साहब ठीक हो ना ओके जी पहुंचे असी गोबिंद घाट वापसी असी हुण फिर कमरे वास्ते बुक करते हुए और जाके जिथे कमरे मिलते हैं उसे जाके तुहानू दर्शन कराने।